व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन मैंने क्या बताया आपको, यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस करते हो, डेल्टा बी जो चेंज आया बनाना में, यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन जो कि आप गेन करते हो, या फिर आप कह सकते हो ये प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ बजट लाइन हो गया। क्लियर है बच्चे? अब एक चीज और समझो जरा, यहां पे जब बजट लाइन की बात हुई है, मैं ये कह रहा हूं दो गुड्स हैं एक्स और वाई, चलो कुछ केस बता रहा हूं, केस ये व्हेन, टॉपिक क्या है मेरा, चेंज इन बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन। अब देखो यहां पर चेंज इन बजट लाइन में फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, कब, व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, एक्स कमोडिटी। तो देखो पहले मैं एक बजट लाइन बना लूं, तो कैसे बजट लाइन में चेंज आएगा, जब एक्स कमोडिटी की प्राइस कम होगी, और रीजन है एक्स है वाई है, यहां पे कमोडिटी एक्स है, यहां दूसरी कमोडिटी है वाई है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब देखो जब अगर एक्स का प्राइस कम हो जाए, मार्केट में जा रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, अब एक्स को पहले जितना ही खरीद पाओगे, पहले से ज्यादा खरीद पाओगे, जब एक्स सस्ता हो जाएगा तो अब अपने बजट में एक्स उतना ही आ पाएगा या उससे ज्यादा ला पाओगे, आप करो ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी क्षमता तो उसको ज्यादा खरीदने की हो जाएगी ना, मैं ही नहीं कह रहा ज्यादा खरीदोगे, वो आपके चॉइस के ऊपर है, लेकिन बजट लाइन आपकी कैपेसिटी को बताता है। क्लियर है? तो आप खरीदो नहीं खरीदो वो आपका अपना डिसीजन है, लेकिन आपका जो बजट लाइन है वो आपको ये ऑफर कर देगा, दिस वन, कि एक्स पहले जितना आप ले पा रहे थे अब आप उससे ज्यादा ले पाओगे अगर एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ। समझ में आया आपको? क्लियर है? अगला केस, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर उसका इंक्रीज हो जाता है प्राइस, पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक दो लेकर के रख लेता हूँ, बार बार बनाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ओरिजन वाई, ए भी बजट लाइन है और एक्स है। ठीक है बच्चे, जब आपका एक्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्स को आप पहले से कम खरीद पाओगे ना, वाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चे, वाई पे क्या फर्क पड़ेगा, वाई तो उतनी, तो आप एक्स पहले से कम खरीद पाओगे। समझ में आया आपको? क्लियर है ये बात? समझ में आई आपको? अगर मैं कहता हूं व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इन द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी ओरिजन एक्स वाई
ए बी, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ, अब वाई कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स तो उतना ही खरीदोगे लेकिन वाई पहले से ज़्यादा खरीदोगे, तो वाई कैसा होगा, दिस वन, वाई ज़्यादा होगा ना। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। और अगला केस फोर्थ, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, इन द प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी, तो इस स्थिति में क्या होगा, लाइक जैसे ये वाई गुड्स है, ये एक्स गुड्स है, ये ए बी बजट लाइन है, ये ओरिजन है, वाई का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करोगे आप, वाई को पहले से कम खरीद पाओगे ना, तो अब आपका ऐसे आ जाएगा। समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई कुछ आपको, बजट लाइन में क्या चेंज आता है, और भी कुछ है प्रभाव जिसकी वजह से बजट लाइन में इफेक्ट आता है, वो सारा नोट करवाऊंगा आपसे। व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ जाए, स्क्रीन तो बच्चे आपका कंटेंट में, कंटेंट अवेलेबल है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हेन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो आपके बजट लाइन में कैसा इफेक्ट आएगा, पहले एक नॉर्मल कर्व बनाओ। और रीजन है एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है, और बजट लाइन आपका ए बी है, कॉमोडिटी एक्स एंड वाई एक्सिस पे, कॉमोडिटी वाई, मैं इसको एक और डायग्राम की नीड होगी तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। मैं पहले यहाँ बात करता हूँ बच्चे, एक बताओ अगर आपकी इनकम ही बढ़ जाए तो आप एक्स को ज़्यादा खरीद सकते हो या वाई को ज़्यादा खरीद सकते हो, अगर आपकी इनकम दोनों को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी आपकी, तो इसलिए जब इनकम में चेंज आता है तो पैरेलल शिफ्ट होता है बजट लाइन। समझ में आया आपको, तो बजट लाइन कहाँ चेंज होगा, लाइक पी क्यू पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक्स को भी ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं एंड वाई को ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, बात समझ में आया आपको। और अगला केस समझ चुके हैं आप, क्यों भाई, सिक्स, व्हेन डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, व्हेन डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो दोनों को पहले से कम खरीद सकते हो ना आप, तो लेफ्ट वर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ये आपका पी एंड क्यू। क्लियर है बच्चे, ये भी कम, ये सारी बातें आपको समझ में आई है, क्लियर है, कोई डाउट बच्चे, नोट करोगे, नोट करने तुम 20 मिनट लगा दोगे मुझे ऐसा लग रहा है, हैं, क्योंकि एक तो मेन आपको ये नोट करना है दिस वन, और वो सारे डायग्राम नोट करने हैं, करो नोट, फिर नोट करने हैं। देखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कहानी शुरू होती है, इसके बाद लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा,
ठीक है, लेकिन पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व या बाय इंडिफरेंस कर्व, बात देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मतलब समझिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है। ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं हम कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी चैप्टर में, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक बार मीनिंग बता देता हूँ क्या होता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको बच्चे, लाइक आपके पास में 1000 रुपीज़ है, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया कि भैया अपने हिसाब से आप जो है शर्ट टी शर्ट जो लेना है आपको वो आप जाके मार्केट से ले लो, तो 1000 रुपीज़ आपके पास में आपका बजट है। अब आपने प्लान करा कि यार आपके इस बजट के अकॉर्डिंग आपने एक मार्केट सोचा कि इस मार्केट में जाना है, आपने माइंड में कुछ पहले से ही चीज़ें रखी हैं अपने कि भैया मुझे ये लेना है और इस कलर में लेना है और इस डिज़ाइन में लेना है, और आप उस मार्केट के लिए निकल गए, और वो मार्केट जैसे ही स्टार्ट होती, स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही मार्केट के स्टार्ट होने से पहले आपको डमी पे वो चीज़ नज़र आ गई जो आप सोच के निकले थे, लेकिन आप क्या ऐसा करेंगे, आप एकदम से उतर करके गाड़ी लगा करके आप सीधा उसको लेने चले जाएंगे? नहीं, आप ये बोलेंगे लो पैसे पैक कर दो उसको, ऐसा नहीं करने वाले। आपके मन में विचार आएगा कि अभी शुरुआत में स्टार्टिंग में ही जब वो चीज़ दिख गई जो मुझे चाहिए था, ना जाने अंदर क्या क्या होगा। फिर आप अंदर मार्केट में गए, एक दुकान पे गए, सर दो चार चीज़ें देखी, लगा यार दूसरे दुकान पे देखते हैं और भी बेटर कुछ देखे, दूसरी दुकान पे देखा, तीसरी दुकान, चौथी दुकान पर देखा, बाद में आपने फिर एनालाइज किया, बाद में पता लगा यार जो स्टार्टिंग में दिखा था वो चीज़ तो अभी दिखी नहीं, फिर आप लौटे वापस और उसी दुकान पर आकर के आप उसको बाय करने का डिसीजन बनाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप उसको बाय करने का डिसीजन बना रहे हो तो इतना समय ख़राब करने के बाद स्टार्टिंग में ही बना लेते, लेकिन आपने स्टार्टिंग में नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये नहीं पता था कि आपके उस गिवन इनकम में वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है। जब आपने और भी ऑप्शंस देखे, कंपेयर किया, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको आपके इनकम में मैक्सिमम वही सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब एक कंज्यूमर को ये रियलाइज़ होता है कि उसके इनकम में ये इसको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है, देन उसको बाय करने का डिसीजन लेता है, और उसको लगेगा इससे ही बेटर हो सकता है तो वो उसको बाय नहीं करेगा, फिर और निकल जाएगा। आप ले रहे हो, उसको कोई कान में के बोल दे यार बड़े ब्रांडेड चीज़ों की सेल्स लगी है 1000 रुपये में, आप उसको भी छोड़ के फिर भाग जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट्स क्या हैं, अपने गिवन इनकम में मैक्सिमम अचीवमेंट को, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करना। अगर आप ऐसा करते हैं, जब आपको रियलाइज़ होता है, देन आप बाय करने का डिसीजन लेते हैं, और जब आपको अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करते हैं, बाय करने का डिसीजन लेते हैं, उस सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। इवन अगर आपको 1 रुपये की टॉफी भी निकालनी हो ना, 4-5 टॉफी के डब्बे में से, तो भी आप रैंडमली आँख बंद करके नहीं निकालोगे, तब भी आप एक सेकंड के लिए कन्फ्यूज होंगे कि आपको उस 1 रुपये मैक्सिमम सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, फिर उसको निकालोगे आप। तो कंज्यूमर क्लियर का मतलब क्या हुआ? टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है ये बात, समझ में आया आपको? अगर मॉर्निंग में अगर आपको बिस्किट भी लाना है तो भी आप सोचोगे कि भैया इस पैसे में कौन सी बिस्किट लाएं जिससे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? टू अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो। क्लियर है? तो आइए मैं यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज को बताऊंगा, मतलब कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात होती है बच्चे, आपकी एक इनकम की बात चल रही है, अगर आप कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है ना बच्चे, अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में आना है तो वो एक अपनी इनकम देखता है। ऐसा तो नहीं करोगे आपके आपके पास में 1000 रुपये है और आप 10000 रुपये की ब्रांडेड वाले शोरूम में घुस जाओगे, हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये मतलब तो नहीं है कि भैया बहुत हाई क्वालिटी की गुड्स का कंजम्पशन करना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये मतलब तो नहीं है कि बहुत ब्रांडेड चीज़ों को लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर आप कोई वीकेंड मार्केट से भी कोई सामान ले रहे हो, एक बहुत गरीब घर का है, अगर वो कोई वेडनेसडे फ्राइडे संडे मार्केट कहीं से भी वो सामान ले रहा है, पटरियों से सामान ले रहा है वो, तो उसके गिवन इनकम में जो उसको ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम सेटिस्फाइड उसको अगर हो रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम के स्टेज पर है, जितना कि मुकेश अंबानी की सामान खरीदते समय में इक्विलिब्रियम के स्टेज को अचीव करता है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो आप अपने इनकम को जरूर देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे? तो यहां पे कमोडिटी एक्स है और ये कमोडिटी
वाई है। तो बजट लाइन को आप कह रहे हो कि बजट लाइन के साथ देखेंगे, तो बिल्कुल देखना भी चाहिए आपको बजट लाइन को। हाँ जी सर, एक सेकंड कर दो, अब तो बस क्लास ही ओवर होने वाली है। हाँ ये क्या है रेड कलर में जो मैंने मार्क किया है, ये क्या है बच्चे? बजट लाइन है। ये तो आपकी इनकम की कैपेसिटी को बताता है कि भैया आप यहाँ तक पैसा खर्चा कर सकते हो, और बजट लाइन में कहीं भी चले जाओ आपका इनकम उतना ही खर्चा होगा, कहीं ज़्यादा ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, नीचे कम खर्चा हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन लेवल को कौन रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व। और आपने प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, पढ़ा ना प्रॉपर्टी में आपने? ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इंडिफरेंस कर्व क्रिएट करता हूँ। एक इंडिफरेंस कर्व आईसी वन है, एक आईसी टू है और एक आईसी थ्री है। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हो? ये तीन इंडिफरेंस कर्व है। बजट लाइन ए बी, इसे लिखना सही नहीं होगा, बजट लाइन ए बी कॉम्बिनेशंस, पी कॉम्बिनेशन, क्यू कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, आर कॉम्बिनेशन। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लिए हैं मैंने, उसके नाम मैंने डिनोट कर दिए हैं क्या। और एक आपके पास में चलो अभी यही लेते हैं, क्या आप पी कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकते हो, एक्स और वाई के पी कॉम्बिनेशन को, क्योंकि वो आपके बजट लाइन पे आ रहा है। क्या आप क्यू को अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप ए को अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप आर को अफोर्ड कर सकते हो? तो आई सी थ्री पर तो आपका इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके बजट से बाहर है। कोई ऐसे बोले आपको, आपका फ्रेंड कल मिले स्कूल में, बोले यार मेरे को ना यार मेरा इक्विलिब्रियम तो फरारी कार पे ही होता है चला करके, बाकी छोटे मोटे जो तुम साइकिल लेकर आ जाते हो ना स्कूल में, देख के मेरा दिल छोटा हो जाता है, मतलब ये फरारी कार पे ही मेरे को संतुष्टि मिलती है। आपने कहा भाई चलाई कब है, कहता है नहीं फरारी कार अच्छी होती है, तो जो चीज़ को उसने इस्तेमाल ही नहीं करा तो उससे कैसे बता सकता कि सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है। हाँ मिल, उसको अच्छा मिलेगा वो एक अलग बात है, बट सेटिस्फेक्शन मुझे इतना मिला वो तो यूज़ करने के बाद ही मिलता है ना। तो इसलिए जो आपके बजट से बाहर है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है, जब आपको वो यूज़ में नहीं आया तो कहाँ से मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसलिए आई सी थ्री जो कि बजट लाइन से बाहर है, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आपको एक क्लियरिंग के स्टेज पर लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके पास में पॉइंट कौन कौन से बचे? पी ई क्यू। अब मुझे एक बार बताओ आप कौन सा कॉम्बिनेशन को चूज़ करोगे अपने गिवन इनकम में? आप पी कॉम्बिनेशन को लोगे, क्यू कॉम्बिनेशन को लोगे या ई कॉम्बिनेशन को लोगे? ले तो तीनों सकते हो आप, लेकिन कौन सा आप प्रेफर करोगे अपनी समझदारी से बताओ एज अ कंज्यूमर, कोई एक बताना है। पी, चलो ठीक है, और कोई बच्चा? देखो ये देखो, पी पे आपकी पूरी आय खर्च हो रही है, और कौन से इंडिफरेंस कर पे हो? आई सी वन पर हो। क्यू पर भी आपका पैसा खर्चा हो रहा है, कौन से इंडिफरेंस कर पे हो? आई सी। तो भैया पैसा खर्चा हो रहा है, जितना सर्टिफिकेशन नंबर पी पे मिल रहा है उतना सर्टिफिकेशन नंबर क्यू पे मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही इंडिफरेंस कर पे है। सेम इंडिफरेंस कर शो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्लियर है? लेकिन अगर आप मैं ए की बात करूं तो उतना ही पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन आई सी वन जितना ही सर्टिफिकेशन नंबर मिलेगा या आई सी वन से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आई सी टू पर है, और हायर इंडिफरेंस कर रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बीच में आप और भी बना दीजिए। अब बताओ आप किस पे होगा, बहुत सारे बना दो आप, क्लियर है? ई पर ही होगा, क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, और इसके बाहर जाओगे तो वो तो भारी हो जाओगे फिर इनकम से, क्लियर है? तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन
कहाँ पे मिलेगा? जब इंटरफेरेंस कर्व इसको टेंजेंट कर रहा है, टच कर रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भी पॉसिबिलिटीज है कि आप उससे हायर इंटरफेरेंस कर्व अचीव कर सकते हो. क्लियर है? तो ये ई पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है. कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को क्या कर रहा है? टेंजेंट है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है. स्पर्श और टेंजेंट की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उससे ऊपर इंडिफरेंस कर्व बनाना पॉसिबल है. मैंने बनाया नहीं क्या उससे ऊपर? इंटरसेक्ट कर रहा था, मैं इसके बीच ही बना दूंगा. देखिए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कौन सा होगा? जो टेंजेंट, उससे हाईएस्ट में तो बाहर हो जाओगे. क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपके पास में वाई है, जो एक्स है, क्लियर है, चाहे वो बजट लाइन के लिए देख लो, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व के लिए देख लो, दोनों इक्वली है. तो दोनों का स्लोप यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर बोलते हैं एम आर एस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन. मतलब कि जो एम आर एस एक्स वाई, जो उसका स्लोप है, जो सेक्रीफाइसिंग रेट है, और जो बजट लाइन का सेक्रीफाइसिंग रेट है, दोनों सेम है. मतलब कि दोनों इक्वल है. टेंजेंट मतलब दोनों एक दूसरे को छू रहे, तो मतलब दोनों वहाँ पर क्या है? सेम है, इक्वल है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. क्या करना है इसका? देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले विद नो इंटेंशन टू चेंज इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन द प्राइस. ऑन एन इंडिफरेंस मैप हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन एनी लोअर इंडिफरेंस कर्व. लोअर इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल हायर देता है. सो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व. क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आई आपको? कहाँ पे वो इक्लियर में होगा? अब इसमें तो मुझे यही पता लग रहा है, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं होता बच्चे. इसमें कोई चेंज, क्या प्राइस में कोई चेंज आता है किसी के? तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स भी फिक्स है, प्राइस ऑफ वाई फिक्स है. तो इसका तो भैया जो स्लोप है वो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट रेट है. स्लोप किसका चेंज होता रहता है? इंडिफरेंस कर्व का. पहले 5 सेक्रीफाइस करता है, फिर 4 करता है, फिर 3 करता है, फिर 2 करता है, फिर 1 करता है. स्लोप ये चेंज किसका हो रहा है? इंडिफरेंस कर्व का. तो इसमें तो कोई चेंजेस, देखा आपने, हर बार दो 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 दो, क्योंकि प्राइस क्या है? हर बार कॉन्स्टेंट ही है. तो इस सिचुएशन में तो मुझे इतना ये पता लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा सेक्रीफाइस हो रहा है. ये क्या है? त्याग, सेक्रीफाइस. ये भी क्या है? सेक्रीफाइस. क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेट ज़्यादा है. और सेक्रीफाइस ज़्यादा कब होता है? इनिशियल लेवल पे. इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा आपने, ये इंडिफरेंस कर्व का सेक्रीफाइसिंग है और ये बजट लाइन का सेक्रीफाइसिंग है. अब आपको पता है कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जाना है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेज आप कहाँ अचीव करोगे? जहाँ पर दोनों इक्वल हो. इसको तो घटा बढ़ा नहीं सकते, ये कॉन्स्टेंट रहता है. इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आप इंडिफरेंस कर्व पे जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो ज़्यादा कर रहे हो. लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ. यही सिचुएशन ग्रेटर देन 5. तो इस सिचुएशन में आपको इक्वल करने के लिए सेक्रीफाइस क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए. और सेक्रीफाइस कम कब होता है? जब आप आगे कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते हो. पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2. तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहिए. क्लियर है? कंजम्पशन बढ़ाओगे तो वाई का धीरे धीरे सेक्रीफाइस पहले से कम होने लग जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स दैट द ऑप्टेन ऑफ द मोर यूनिट ऑफ एक्स, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई एट कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. इट इंडिक्यूज द कंज्यूमर टू बाय मोर गुड्स ऑफ एक्स. उसको एक्स को ज्यादा लेना चाहिए. यहां पर इसको तो फिक्स चेंज नहीं कर सकते. यहां पर क्या हो गया? लाइक यहां पर तो 2 है और यहां पर 1 आ रहा है, सेक्रीफाइस ज्यादा कर दिया यहां पर. तो आपको अपने कंजम्पशन, आपने ज्यादा जितना बढ़ाओगे उतना सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है, पता है ना? तो आपको थोड़ा कंजम्पशन कम करना चाहिए था एक्स का. तो यहां पर वही बात कहेगा कि बाय लेस ऑफ एक्स. क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? द सेकेंड कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट द एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग. एंड वो एमआरएस डिमिनिशिंग तो होता ही है. ठीक है बच्चे? अब यहां पर अगर आप पढ़ोगे फिगर, IC1, IC2, IC3 आर द 3 इंडिफरेंस कर्व एंड AB इज द बजट लाइन विद द कॉन्स्टेंट ऑफ अ बजट लाइन. द हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व विच अ कंज्यूमर कैन रीच IC2
The budget line is the tangent to the indifference curve IC2 at the point E. This is the point of the consumer equilibrium when the consumer purchases OM quantity of the commodity X and ON quantity of the Y. OM X ka and ON Y ka. ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहां पे आपका ये हो जाता है कंप्लीट, समाप्त हो जाता है यहां पर आपका ये. अगली कक्षा में आगे हम कंटिन्यू, अब इसके जो एडवांस फेसेस जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे.